फर्स्ट में यानी कि गुजरात का स्थापना दिन। गुजरात कई कारणों से आज चर्चा में रहता है, बट उसके निर्माता को कोई याद नहीं करता। बात वो शख्स की है जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी गुजरात के नाम कर दी थी। बात उस शख्स की है जो अपनी आखिरी दिनों में 82 दिनों तक मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण मौत से झुंझुमता रहा था। डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि ये मरीज मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के बावजूद भी इतने समय तक जिंदा कैसे रह पाए। ये शख्स थे इंदुयाल याग्निक, यानी कि इंदु चाचा। बात उस समय की है जब अलग गुजरात प्रदेश की मांग को लेकर काफ़ी आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे इंदुलाल याग्निक, यानी कि इंदु चाचा। वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी और मुंबई की जो सरकार थी, उन्होंने मिलकर इस आंदोलन को दबाने की बहुत सारी कोशिश की, बट इंदु चाचा के चलते ये सफल नहीं पाए। उल्टा उस समय इंदु चाचा की लोकप्रियता इतनी थी कि अहमदाबाद में उन्होंने जनता कर्फ्यू लगा दिया था, और उसी समय पे अहमदाबाद में वहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मुरारजी देसाई, जो कि वहाँ के उस टाइम के बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, उनकी सभा होने वाली थी, परंतु जनता कर्फ्यू के कारण वो सभाएं नहीं हो पाई थी और पूरी की पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। अंततः 1960 में जो गुजरात अलग प्रदेश है वो मांग मान ली गई थी।